वेलकम टू माई YouTube चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले बात होगी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आखिर क्या है। सो इट इज़ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। प्रोटीन से यहाँ पे क्लियर हो रहा है, एनर्जी का मतलब आ रहा है कैलोरी, जो कि हमारी कार्बोहाइड्रेट से आएंगी। सो इट इज़ द लैक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन अ पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, इट इज़ प्राइमरली ड्यू टू इनएडिक्वेट फूड इनटेक। ये हो क्यों रहा है, ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड बॉडी में नहीं जा रहा। ठीक है, एंड इट अकर्स ड्यू टू फूड गैप। तो हमारा फूड गैप क्या होता है, जब बॉडी की रिक्वायरमेंट और जो फूड इनटेक के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है वो फूड गैप होता है। और ये फूड गैप अगर ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बच्चों में बढ़ जाते हैं। सो इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, चार तरीकों से हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिंड्रोम। और ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है इंडियन अकेडमी ने जो दिया था। एक होता है गोमेज और एक होता है WHO। सो सबसे पहले से क्लासिफिकेशन सिंड्रोम के अकॉर्डिंग क्या होंगे उसकी बात करते हैं। सो ये आता है क्वाशरकोर। तो क्वाशरकोर क्या होता है, यह होता है सिग्निफिकेंट लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी भी हो, बट अगर पर्टिकुलर पर्सन में लैक ऑफ प्रोटीन हो रहा है तो क्वाशरकोर होगा। इसको याद करने के लिए आप पीके याद कर सकते हैं, पीके एक बहुत ही हिट मूवी थी, आई गेस याद रहेगा। प्रोटीन से आएगा क्वाशरकोर। इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन, क्योंकि बेबी के अंदर या फिर जो भी चाइल्ड है उसके अंदर लैक ऑफ प्रोटीन होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं है, इस वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी पर्सन की और वो ग्रो नहीं कर पाएगा उतने अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। देन आफ्टर आएगा मसल्स वास्टिंग। जो भी अगर मान लीजिए मसल्स हैं तो उनको भी वो भी डैमेज होने लग जाएंगे, मसल्स वास्टिंग होने लग जाएगा। और जो भी अगर सिग्निफिकेंट मसल्स हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। देन आता है पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा का मतलब हो गया ऐसी स्वेलिंग जहाँ पे गड्ढा नुमा हो सके, अगर आप उस पर दबाओ तो वह गड्ढा जैसा बन जाए, उसके लिए इसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि प्रोटीन की कमी है, इस वजह से हाइपो एल्बुमिनिया हो जाएगा, बॉडी में एल्बुमिन की कमी ब्लड में कम हो जाएगी, इसकी वजह से पिटिंग एडिमा होगा। इसकी वजह से होता क्या है, बेसिकली ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है हमारे बॉडी में वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होने लग जाता है। सो कुल मिला के ये हो रहा है वाटर रिटेंशन की वजह से, जो कि कॉज हो रहा है हाइपो एल्बुमिनिया की वजह से। ठीक है, क्योंकि हमारे हेयर्स जो होते हैं वो भी एक काइंड ऑफ प्रोटीन से बनते हैं, इस वजह से हेयर चेंजेस होने लगेंगी और स्किन चेंजेस, स्किन में भी जो लेयर्स हैं वो उतना प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएंगी। देन आफ्टर नेल चेंजेस वगैरह भी होते हैं और पर्सन जो होता है वो बहुत इरिटेबल होता है। और हाँ, उसमें आपको डिस्टेंडेड एब्डोमेन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बात हुई है कि पिटिंग एडिमा होगा। सो एक तो सबसे पहले एंकल्स पे यानी कि पैरों पे एडिमा आएगा, और दूसरी बात जो भी बेबी का एब्डोमेन है उस पे आएगा। तो एब्डोमेन में अगर स्वेलिंग वो होने लग जाए, वाटर रिटेंशन, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं असाइटिस। अगर जो एब्डोमिनल कैविटी है हमारी उसके अंदर वाटर रिटेंशन हो रहा है या उसके अंदर फ्लूड रिटेंशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे असाइटिस। तो यहाँ पे एक मेन फीचर होता है असाइटिस का। देन अभी क्वाशियोरकर की बात हो गई थी, अब मैरास्मस की बात होगी। सो मैरास्मस होता है कैलोरी की वजह से। ठीक है, ये लैक ऑफ कैलोरी या फिर आप कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं कि मैरास्मस हमारा कैलोरी डिफिशियंसी से हो रहा है। इसका भी सेम होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा फीचर में, एब्सेंस ऑफ एडिमा, ये मेन पॉइंट है। ये एडिमेटस होता है और ये नॉन एडिमेटस होता है, यानी मतलब इसमें एडिमा प्रेजेंट है और इसमें एडिमा नहीं प्रेजेंट होता है। देन आफ्टर डायरिया वॉमिटिंग कॉमन सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट इस जो भी बेबी होगा वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा एंड वो काफ़ी हंग्री दिखेगा आपको, वो बार बार फूड की डिमांड करेगा। प्लस इसमें जो भी सबक्यूटेनियस फैट होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, क्योंकि आपको पता होगा जो भी सबक्यूटेनियस फैट है ये आपका थर्मोरेगुलेशन में काम आता है। इसी वजह से ये बच्चों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनकी बॉडी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ना कर सके, तो ये भी एक मेन फीचर होता है इसमें। आगे बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो कि है मैरास्मिक क्वाशरकोर। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं बट विदाउट एडिमा। ठीक है, इसमें विद और विदाउट एडिमा प्रेजेंट हो सकता है, दोनों ही कंडीशंस होती हैं। फैट वास्टिंग भी होती है, मसल्स वास्टिंग भी होती है, मे बी विद और विदाउट प्रेजेंस ऑफ एडिमा, ये प्रेजेंट होता है मैरास्मिक क्वाशरकोर। देन आफ्टर हमारा आता है
प्री क्वाश्योर कर, मतलब प्री यानी क्वाश्योर कर स्टेज से पहले वाली स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्वाश्योर कर के सारे ही सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं बट विदाउट प्रेजेंस ऑफ एडिमा। अभी इसमें एडिमा फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है बट बाकी सारे सिम्टम्स बॉडी में प्रेजेंट होंगे। देन एक और हमारा आता है न्यूट्रिशनल डार्फिंग। इसमें कोई भी पर्टिकुलर एक कंडीशन प्रेजेंट नहीं होगी बट एक सिग्निफिकेंट लो बॉडी वेट होगा और लो बॉडी हाइट होगी, डिक्रीज हाइट होगी। जो भी अकॉर्डिंग टू एज बच्चे की हाइट या वेट होनी चाहिए वो सिग्निफिकेंटली लो होगी। जैसे कि अगर 5 साल का बच्चा तो वो 5 साल के अकॉर्डिंग उसका ना वेट इंक्रीज हुआ होगा अभी तक और ना ही हाइट, बट कोई भी इन दोनों में से सिग्निफिकेंट फीचर्स उनमें नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल स्केलेटल लाइक लग रहा है या ऐसा कुछ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि क्वाश्योरकर में हमारा असाइटिस और एडिमा देखने को मिल रहा था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो हट जाता है, लेस होता है या फिर फैट वास्टिंग होने लगती है। इसकी वजह से बहुत ही प्रोमिनेंट रिब्स हो जाती हैं बेबी की। जो भी रिब्स होंगी वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी कि आप उसे ईजिली गिन सको और जो भी फैट है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है बेबी में। देन हमारा आता है क्लासिफिकेशन बाय इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। सो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने इसको किस बेसिस पे डिफाइन किया है? सो ग्रेड वन तब होगा जब 71-80% ऑफ बॉडी फैट होगा अकॉर्डिंग टू द एज। मान लीजिए बेबी का वेट 10 होना चाहिए और अभी उसका वेट 7 या 8 है ना, 10 kg होना चाहिए और 71-80% में आ रहा है, डिक्रीज है, तो वो ग्रेड वन आप उसको माल नरिश बोल सकते हो। देन आफ्टर अगर 61-70 है देन ग्रेड 2 है, अगर 51-60 है तो ग्रेड 3 है और अगर 50 और लेस है तो वो ग्रेड 4 है। यानी कि अगर यहाँ पे 10 का एग्जांपल लें तो 7-8 kg अगर बेबी का वेट है, 10 होना चाहिए, 7-8 है तो ग्रेड 1 है, 6-7 है तो ग्रेड 2 है, 5-6 है तो ग्रेड 3 है और 5 या लेस देन 5 kg है तो वो ग्रेड 4 मालनरिश्ड है। यहाँ पे बात हुई थी हमारी इंडियन एकेडमी के अकॉर्डिंग बट यहाँ पे बात हो रही है अब गोमेज के अकॉर्डिंग। सो गोमेज एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है जो इंटरनेशनली इसके पैरामीटर्स देखे जाते हैं। सो यहाँ पे भी सेम है, अकॉर्डिंग टू द एज जितना भी बेबी का वेट है अगर वो उससे 70-90% डिक्रीज्ड है, 70-90% है, जैसे कि अगर बेबी का वेट 10 होना चाहिए और वो 7.5 से लेके 99 है तो ग्रेड 1 है, अगर 61 से लेके 7.5 है तो ग्रेड 2 है और अगर 60 या लेस देन 60 है तो वो ग्रेड 3 के क्लासिफिकेशन में चला जाता है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में वेट और एज की बात हो रही है कि अगर पर्टिकुलर एज में उस पर्टिकुलर बेबी का वेट इतना परसेंट डिक्रीज्ड है तो पेशेंट जो भी हमारा बेबी है वो माल नरिश के ग्रेडिंग्स में आ जाता है। WHO क्लासिफिकेशन, सो WHO क्लासिफिकेशन में उसने मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया है जो कि हमारा स्टंटिंग, अंडरवेट और वास्टिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है बेबी में प्रॉपर या फिर एडिक्वेट ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं है, पुअर है, वो हो सकता है अल्टर्ड हो या फिर डिक्रीज्ड हो, ठीक है। देन आफ्टर आता है हमारा अंडरवेट, यानी अगर हम BMI के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हमारा वेट वो जो कैटेगरी है वो 18 या लेस देन 18 आएगा जिससे डिफाइन होगा कि बेबी अंडरवेट है। और लास्ट हमारा आता है वास्टिंग जिसमें कि डिक्रीज्ड या तो हमारा जो भी स्टोर्ड फैट है या तो उसका भी और ज़्यादा डिफिशेंसी हो रही है या फिर मसल्स और ज़्यादा वीक होके वो भी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। तो इन 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग WHO ने उसे क्लासिफाई किया था।